एक लड़का जिसका नाम अंकुर था, मात्र 19 साल की उम्र थी, ऑफिस के लिए निकला था, खबर मिलती है और जैसे ही जिस क्लिनिक पर अंकुर काम करता था उस फांसी के फंदे पर लटका हुआ नजर आता है। सर मेरा बेटा समथिंग 5 महीने से इस क्लिनिक पर डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी के क्लिनिक पर जॉब कर रहा था। बीच बीच में वो ये कहता रहा जी कि मेरे को वहाँ पे हरासमेंट करा जाता है। मेरा बेटा मरा है या मारा गया है उसका रीजन केवल डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी, उनकी वाइफ और डॉक्टर विजय है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के राजीव नगर इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां से एक ऐसी चिंताजनक घटना सामने आई है जो आज बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती है। एक लड़का जिसका नाम अंकुर था, मात्र 19 साल की उम्र थी, ऑफिस के लिए निकला था और घर पर खबर मिलती है और जैसे ही जिस क्लिनिक पर अंकुर काम करता था उस क्लिनिक पर उसके परिजन पहुँचते हैं तो अंकुर फांसी के फंदे पर लटका हुआ नजर आता है। बताया ही जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, पर आज जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बातचीत करेंगे, परिवार से जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दयानंद गौड़ है। गौड़ जी, क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना क्या थी, बच्चा कब से मतलब ये सारी हरकतें होनी शुरू हुई और एंड में क्या हुआ, कैसे हुआ? सर मेरा बेटा समथिंग 5 महीने से इस क्लिनिक पर डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी के क्लिनिक पर जॉब कर रहा था। पहले ही महीने में उसने थोड़ी सी शिकायत दर्ज करी थी कि पापा वो मेरे को झाड़ू पोछा मारने के लिए बोलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू नौकरी छोड़ दे। लेकिन डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी मेरे उससे बड़े वाले बेटे को भी जानते हैं, मेरे बेटे ने उनसे कहा कि आप जो है उसको झाड़ू पोछे के लिए मत बोलो। तो उन्होंने माने या नहीं माने ये इस बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो काम चलता रहा। कुछ घर की पारिवारिक स्थिति देखते हुए बच्चा काम करता रहा, लेकिन बीच बीच में वो ये कहता रहा जी कि मेरे को वहाँ पे हरासमेंट करा जाता है। हमने कई बार उसको ये भी बोला कि भैया तू नौकरी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन कर ले, कोई और नौकरी देख ले, कहीं और लगा देंगे, तू ढूँढ ले। लेकिन वो करता रहा और 13 तारीख की शाम को 7:40 पर सूचना मिलती है। सुबह ठीक ठाक घर से निकला है, नाश्ता करके, लंच लेकर के घर से निकला है 1-1.30 बजे के बीच में। उसकी माँ से भी बात हुई है, सुन रहे हैं किसी दोस्त से भी बात हुई है, लेकिन 7:38 पर मेरे बेटे को फ़ोन आता है कि एक बारी आप यहाँ पर आ जाओ, डॉक्टर विजय का या कृष्ण कुमार केसरी का, दोनों में से किसी का। मैं उस समय यहाँ पे नहीं था, मैं फरीदाबाद में था, राजस्थान से वापसी में था, गाड़ी चलाता हूँ मैं। और जा करके मेरे बेटे ने जब देखा तो बेटे को बस फांसी पे लटका हुआ मिला है बेटा। उसके बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, जो भी पुलिस की कार्रवाई है। मेरा बेटा मरा है या मारा गया है उसका रीजन केवल डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरी, उनकी वाइफ और डॉक्टर विजय है। उन्होंने उसको हरासमेंट किया क्योंकि मेरे घर से मेरे बेटे को किसी बात की कोई भी तंगी, परेशानी या किसी काम के लिए बाध्य करना कुछ भी नहीं था। इसका जवाब कृष्ण कुमार केसरी या उनकी वाइफ या उनके दूसरे जो डॉक्टर हैं विजय दे सकते हैं कि उन्होंने उसको कहाँ तक हरासमेंट किया है कि जो आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुआ है। आपने बातचीत करने की कोशिश की क्या कृष्ण कुमार? हाँ, हमने बातचीत करने की कृष्ण कुमार जी से कोई कोशिश नहीं की अभी तक। आपकी बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी है, ना मैंने उनसे कोशिश करी है। पुलिस की इंक्वायरी पे, पुलिस की तस्दीक पे हम निर्भर हैं अब इस समय। तो जो पुलिस की जाँच से आप खुश हैं, उसे मानते हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी पुलिस से हमारी बातचीत हो रही है बराबर, तो पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि अभी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर FSL के लिए जाएगा, उसके बाद में कुछ हम करेंगे। और आज हमें बुलाया भी है 5 बजे IO ने मिलने के लिए। तो आपका क्या कहना है, ये हत्या है या आत्महत्या है? सर जिस तरह से उसमें दिखाया गया है वो तो आत्महत्या ही है, लेकिन आत्महत्या क्यों है, इसका जो कारण है वो कारण क्या है? कि अगर घर से परेशान होता तो घर पर करता या रास्ते में कहीं करता,
हॉस्पिटल पर ही क्यों, जो बच्चा सुबह ठीक ठाक अपना यहाँ से नाश्ता करके। क्या अस्पताल में उस वक्त कोई होता नहीं था जो उसे रोक पाए, क्या कोई व्यवस्था नहीं थी? 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक कोई नहीं होता है, वो अकेले रहते थे। वो अकेला रहता है तो दवाई भी वही देते थे? नहीं, वो वहाँ पर पर्ची वर्ची बनाना, कैश कलेक्ट करना, वो उसका काम था। उसके बाद में वहाँ से 5 बजे दूसरा डॉक्टर आता है। 5 बजे डॉक्टर आने के बाद में उन्होंने पूरी पुलिस वुलिस बुलाने के बाद हमें सूचना दी है, और वो भी 5 से 7:45 तक, 2.5 घंटे होते हैं सर। हमें बस जो संशय है वो ये है कि उन्होंने इतना पीरियड क्यों लिया, जबकि डॉक्टरों के, दोनों डॉक्टरों के पास मेरे बीच वाले बेटे का नंबर भी थे, वो हमें भी बुला सकते थे पहले, पुलिस बाद में बुला लेते, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? और पुलिस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेटे की मौत का जो जिम्मेवार है वो अस्पताल प्रशासन? बिल्कुल सर। और पुलिस का भी वहाँ से ज़्यादा चंद मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। 112 पे कॉल होती है, ऐसी कॉल में बहुत सक्रियता दिखाई जाती है। 5 से 10 मिनट बहुत खींच करके आधा घंटा, 5 से 5:30, 6 मान लीजिए, 6:15 मान लीजिए, 6:30 मान लीजिए, हमें सूचना का 6:30 बजे तक भी ये सब कुछ हो गया तो हमें 6:30 बजे तक भी सूचना नहीं दी गई। हमें 7:38:40 पर मेरे बेटे को कॉल आई है डॉक्टर की, वो भी डॉक्टर की, ना पुलिस की ना किसी की। और वहाँ जा कर के जैसे हमारे बच्चे पहुँचे हैं, तुरंत ही बस उनको दिखा करके एक बारी ऐसे, और इन्हें अलग हटा करके फटाफट बस बॉडी उतारी है और सीधे मोर्चरी, ना कोई पंचनामा, ना कोई कुछ, ना कोई कहना, ना सुनना, कुछ भी नहीं। संतुष्ट नहीं है आपका? जी, मैं संतुष्ट नहीं। देखिए, आत्महत्या उन्होंने की, और जिस तरीके से लोग और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लगातार आत्महत्या कर लेती हैं, पर आत्महत्या का जो रास्ता है वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि जब आप आत्महत्या करते हैं तो आप अकेले नहीं मरते, आपके साथ उम्मीदें, आपके साथ विश्वास, आपके साथ आपके परिवार की तमाम जो उम्मीदें होती हैं उन सब की हत्या आप करते हैं। हम बातचीत करते हैं इनकी माताश्री से, और क्या कुछ पूरी घटना है उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अंकुर की माँ दयावती जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, क्या अंकुर कभी बताता था आपको कि घटना ये है, क्या कुछ पूरा मामला है? मेरे को तो भैया कुछ नहीं बताता था। मेरे यहाँ से तो अच्छा नहीं का 8:30 बजे ड्यूटी निकला था, नहा धो के खूब फ्रेश हो के अपना खाना वाना खा के सारा कुछ सही तरह से निकला था। वहाँ 9 बजे उसको पहुँचना था, 9 बजे अपना काउंटर को संभालता था। वहाँ जाके मैं 1 बजे के भीतर भीतर फ़ोन करती थी उस पर, बेटा आपने खाना खा लिया? हाँ मम्मी खा लिया। डेली आप कॉल? रोज़ करती थी कॉल, खाना खा लिया? हाँ मम्मी खा लिया। मैं ठीक है भैया, मैं अब लड़की को लेने जा रही हूँ वहाँ स्कूल से। मैं बेटा मेरे को बात करना बाद में, तो कह रहा मम्मी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैं ठीक है। फिर 1:30 बजे के बाद उनके दोस्त ने फ़ोन किया था, तो उनसे भी यही बोल दिया था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। उससे बाद में भैया यहाँ से तो खूब कोई न घर की कोई प्रॉब्लम थी, अब ये नहीं पता कि वहाँ कहाँ प्रेशर डाला है, क्या नहीं डाला, सब प्रॉब्लम डॉक्टर की थी। वहाँ में 2 डॉक्टर थे, 1 डॉक्टर नहीं थी। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको ये लगता है कि प्रशासन जो है, जो अस्पताल प्रशासन है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है? पीछे से लगा दे, मेरे को नहीं पता कौन सी। आपको क्या लगता है, हॉस्पिटल की वजह से? हाँ, मेरे को ही पूरी लगती है कि हॉस्पिटल। जब मेरा बेटा खूब बढ़िया तरह से जा रहा है तो मैं कैसे समझूं कि मेरे घर से प्रॉब्लम थी? अच्छा, क्या कभी उसने कुछ ऐसा कुछ आपको बताया था? कभी कुछ ऐसा तो नहीं था कि वो किसी को प्यार करते हों? लड़की का तो कोई चक्कर नहीं भैया, कोई लड़की का चक्कर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई घर की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। खूब हंस खुशी बच्चा था मेरा, पूछ सकते हो पूरी यहाँ में सब में बिनों पूछ सकते हो कैसा लड़का था। मैं तो न कहूँ, आज तुम दुनिया में ये पूछ लो कि लड़का कैसा था। गांजा वो नहीं पीता था, शराब वो नहीं पीता था, गुटखा वो नहीं खाता था, मतलब मेरा लड़का सोने में एक हीरा था। आज वो हीरा आपसे दूर हो चुका है? आज मेरा हीरा मेरे से दूर हो चुका है, और मेरी पूरी जो मेरी है सो डॉक्टर ने है, जो किया है डॉक्टर ने किया है, सब कुछ किया है तो मिल के किया डॉक्टर। पर आपने जैसे जिस तरीके से 9 महीने आपने पेट में रखा, इतने सालों आपने पाला, और आज आपका बेटा आपके पास नहीं है, बहुत दुख है भैया मेरे को, बहुत दुख है भैया मेरे को। मेरे पास से जो पट्टा 22 साल का गया है, बहुत दुख है भैया मेरे को। वो तो मार मूर की छुट्टी करा, बस इतनी है कि बस सबरी दिक्कत मोर डॉक्टर न पे है और किसी पे नहीं, चूंकि मेरा बच्चा खूब बढ़िया था।
खूब अच्छे से खा के पी के सब कुछ बढ़िया से गया था, नाश्ता वास्ता करके। तो क्या कुछ कमा लेता था? हाँ भैया 8,000 यहाँ से कमाता था। वैसे ये प्रॉब्लम बताता था कि मम्मी मैं वहाँ से नौकरी छोड़ूंगा। क्या बचे थे रहती थी? मैं वहाँ से नौकरी छोड़ूंगा, डॉक्टर बदतमीज है ये मेरी। हाँ ऐसी उन्होंने अपने दोस्तों को बताई है कि मैं डॉक्टर से परेशान हूँ, नौकरी छोड़ रहा हूँ। नौकरी वो देख रहा था। अब मैंने बस भैया ये बोल दी उससे कि नौकरी जब छोड़ियो जब दूसरी जगह देख लियो, ये मैंने बोला था भैया उससे। और कुछ नहीं भैया, मेरी तो पूरी बस यही है कि जो हादसा है वो डॉक्टर का काम है। अच्छा, जो लोग हमको देख रहे हैं, क्योंकि लगातार लड़के और लड़कियां ऐसा गलत कदम उठा लेती हैं कि फांसी लगा लेते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि फांसी अपने आप लगा लेगा, नहीं हो सकता। इतना तो उसमें वजूद ही नहीं जो मेरा लड़का फांसी लगा लेगा। नहीं है मेरा लड़का अपना फांसी लगाने वाला। साइड से कैसी भी प्रेशर से कैसी भी मेरे लड़के को बहुत दबाव दिया गया तब कुछ उन्हें करवाया गया। पर दबाव देने की वजह क्या हो सकती है भैया? वो तो उनका पता होगा, मेरे को क्या पता? उनका पता होगा क्या दबाव दिया क्या नहीं दिया, मेरे को क्या पता? चलिए, सरकार से प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरे प्रशासन से यही मांग है मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों किया? तो देखिए, हमारे साथ अंकुर की माता जी मौजूद थी, पूरा मामला हमने उनसे जाना। जिस तरीके से देखते ही देखते इनका अपना बेटा, आपने सोचिए इतने सालों तक इन्होंने पाला, 9 महीने पेट में रखा, और उसके बाद उस लड़के ने जो कदम उठाया और उसके बाद जो हरकत हुई, और इनका कहना है कि प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन, वो इसके लिए जिम्मेवार है। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो दिल्ली की सरकार तक जाना चाहिए, दिल्ली की पुलिस तक जाना चाहिए, दिल्ली की व्यवस्था तक जाना चाहिए, और इनकी मदद होनी चाहिए। आपको ये पूरी घटना सुनने के बाद क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलकू दिल्ली।